मैं खुशबू आप लोगों का स्वागत करती हूँ अनन्या ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। बचे हुए चावल से आप रोटी यानी पराठा बना सकते हो। तो मैंने घर के बचे हुए चावल लिए हैं, उसमें प्याज लहसुन मिर्चा जो है वो काट लिया है। इसमें गेहूँ मिला देंगे, गेहूँ का आटा ऊपर से डाल दिया है, और इसमें नमक डालेंगे और अजवाइन भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से थोड़े थोड़े पानी के साथ गून लेंगे। और गूनने के बाद ये मैंने पानी लिया है, मैं गूनना स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसको हम गून लेंगे। और गूनने के बाद इसका हम पराठा बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप शाम को नाश्ते के तौर पे ले सकते हो, सुबह में पराठे ऐसे भी नाश्ते पे, सुबह भी नाश्ते में मतलब खा सकते हो। और अगर घर में कुछ नहीं है, चावल बच गए हैं, तो इसको फेंकिए मत, इसके पराठे बना देंगे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेंगे। और इसमें मैंने अजवाइन भी डाला था। इसको सबको अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गून के आटा को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और आटा को हमें वैसे ही गूनना है जैसे नॉर्मल हम आटा गूनते हैं, हमें इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने इसमें जो भी मतलब पानी डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और इसको हम गून लेंगे। अगर आपका आटा गीला हो जाता है तो आप ऊपर से भी और आटा ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा जो है, मैं गून के इसको तैयार कर लूँगी। ये मैंने गून के तैयार कर लिया है, और देखिए मैंने इसके रोटियां बनाने स्टार्ट कर दी है पराठा। तो इसको हम, आप चाहो तो घी बटर या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसको अच्छे से धीरे धीरे, जैसे आप रोटी बेलते हो वैसे ही बेल सकते हो, इसको बेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल के इसको बना सकते हैं। इसे आप शाम को चाय के साथ भी खा सकते हो, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बच्चे आराम से खा लेंगे। आप एक ही खा के आपका पेट भर जाएगा। देखिए मैंने ये लोया बना लिया है, और इसको आटे के साथ डस्ट करके रख देंगे। और इसको अभी हम धीमे आँच में धीरे धीरे सेक रहे हैं। ऐसे ही करके हम सारी जितनी भी रोटियां पराठे हैं वो हम बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप बिना ऑयल का खाना चाहते हो तो आप बिना ऑयल का भी बना के खा सकते हो। तो मैं ऐसे ही करके सारी रोटियों को बना लूँगी। देखिए मैं कैसे धीरे धीरे बेल रही हूँ। और ये मैंने रोटी बना लिया है, और इसको मैं तवे में डाल दूँगी, और इसे अच्छे से पहले एक साइड सेक लेंगे, उसके बाद इसे पलटी करेंगे। दूसरे साइड जब सेकेंगे, हाँ अब पलटी कर दिया है ना हमने, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों साइड अच्छे से पकाएंगे। और इसे मीडियम आँच में ही पकाइएगा। और ऐसे ही करके हम ना जितने भी पराठे हैं सब बना के रख लेंगे। देखिए मैंने कितने सारे पराठे बना लिए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करना। तो मैं ये सारे पराठे को बना ली हूँ, और ये सारे पराठे जो है ना ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए रोटी की तरह, और पराठे जो नॉर्मल जो बनाते हैं हम लोग घर में, कैसे बनाने के बाद ठंडी हो जाने के बाद सॉफ्ट हो जाती है। गरम गरम खाएंगे तो ये क्रंची होता है, और जब ठंडी हो जाती एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो आराम से आप इसको खा सकते हो। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करना, मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि ये बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग इसे देखिए और ट्राई कीजिए। ये मैं बैंगन आलू और बड़ी की सब्ज़ी के साथ ली हूँ, और मैं इसे खाने जा रही हूँ। ये मैं छत पे आ गई हूँ, और ये सारे जो प्लांट है ना, कुछ कुछ मैंने नई लाई हूँ। तो जैसे ये समी का पौधा हो गया, बेली फूल का हो गया, मनी प्लांट हो गया,
करी पत्ता का हो गया, ये मैंने नहीं लाई, मैं नहीं ला के लगाई हूँ, बाकी जो है वो पुराना है। ये मिर्च का पौधा है, ये भी पुराना है और इसमें जो है ना थोड़े थोड़े कीड़े लग गए हैं और सूख भी गया है। तो इसमें मैंने खाद तो 2 दिन पहले भी डाला है और कीटनाशक डाला है, तो सारे पौधों में ही मैंने कीटनाशक दवाई डाल दिया है क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो कीड़े लग जाते हैं पौधों में, पत्ते वगैरह में वो ना लगे कर लगे, इसलिए मैं इसमें स्प्रे कर दे रही हूँ। और सारे ही पौधों में मैंने किया है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी, और मुझे बताया गया है कि ये हफ्ता में एक बार करना है, हमें डेली स्प्रे नहीं करना है और थोड़े थोड़े दिन के बाद करना है। और मनी प्लांट जो है वो भी छोटा है लेकिन मैंने उसमें भी स्प्रे कर दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। ये वीडियो छोटा सा मैंने बनाया है, बहुत बड़ा नहीं बनाया है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।